अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं अपना ब्रेकफास्ट शेयर करने लगी हूँ और यकीनन आपको पसंद आएगा। ये मैंने एक कप मैदे का ले लिया है। अब ये आप आटा भी ले सकते हैं, मैंने मैदा लिया है और इसको मैंने छान लिया है। और ये हाफ टी स्पून नमक जाएगा इसमें, बेकिंग पाउडर, ये हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें। इससे आपका ना जो रोटी बनेगी ना वो फुली फुली सी बनेगी। अब जितना मैंने मैदा लिया है इतना ही मैंने कप दूध का लिया है। अब इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और इतना मिक्स करना है कि इसकी इनकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, गुठलियाँ ना बने इनकी। आप तो चाहे इसमें पानी भी डाल सकते हैं। अब इसमें एक अंडा जाएगा इसको फैलाने के लिए रोटी को, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैदे का बैटर रेडी कर लिया है। अब हमने अंडे का करना, अंडे का सामान, दो अंडे ले लिए, इसमें जाएगा अब गाजर जाएगी, टमाटर जाएगा, हरी मिर्च जाएगी, अगर बच्चे खा रहे हैं फिर आप हरी मिर्च ना डालें, और ये प्याज जाएगी, एक छोटी सी प्याज हो जाएगी, और इसमें गाजर जाएगी खूबसूरती के लिए। मैं, मेरे पास शिमला मिर्च नहीं है, मैंने शिमला मिर्च नहीं डाली। अगर आपके पास है तो आप शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सब्ज़ धनिया, ये मैंने ज़्यादा लिया है इसलिए कि इसकी ज़्यादा खूबसूरती होती है और वो शिमला मिर्च की जो कमी है ना वो ये धनिया जो है ना ये पूरा कर देगा। और इसमें जाएगा हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी का, बस ये दो चीज़ें जाएंगी। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। पैन को मैंने गरम होने के लिए रखा है और आंच जो है ना बिल्कुल हल्की रखनी है। और इसमें जो हमने पहले बैटर बनाया है ना मैदे का वो डाल देना है। अब ये देखें बैटर ज़रा सख्त हो गया। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये अंडा जो हमने बनाया था सामान उसका ये इसके ऊपर इसी तरह डाल देना जैसे हमने ये रोटी बनाई थी। ये अब इसको ढाँप देना है ऊपर से 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसकी साइड चेंज कर लेनी है, ये टूटेगा नहीं। ये देखो पक गया है ना इस साइड से, इस साइड से भी थोड़ी देर इसको ढाँप के रखना है थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कि ये नीचे से भी पक जाए। अब इसकी साइड, फिर ये नीचे से पक गया होगा, अब इसकी साइड इसके ऊपर ये मोज़रेला चीज़ डाल देनी है। दो तीन मिनट के लिए इसको डाल देना है। ये हमारा एग हो चुका है, देखते हैं। ये देखिए ना अच्छा एग बना है, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। काट लेते हैं, मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें,
और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।